क्या सारी और कहानी तेरी मैं, ओ
अपनी सफाई में और भी कुछ कहना चाहती हो? महाराज, मुझे अपनी सफाई में क्या कहना है? आज जब मैं ये दिन देख रही हूँ, ये दिन ऐसे नहीं आए महाराज, इसके जिम्मेदार आप हो, आप इसके जिम्मेदार हो। क्योंकि अगर आप उस दिन काशी के बाजार में हम दोनों माँ बेटे को ना ले गए होते, हम दोनों को ना बेच दिया होता, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते महाराज। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ? हाँ, मैं क्यों कर जिम्मेदार हूँ? सुनिए महाराज, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, दोष तो इस जमाने को क्या हो गया, दोष तो इस का राजा हरिश्चंद अपने मृतक बेटे की सौगंध उठा करके और अपने पूर्वजों को साक्षी मान करके ये प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे सूर्य और चंद्रमा बदल जाएं, आकाश के ये तारागण टिमटिमाना छोड़ दें, किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान तो खाली जा सकता है, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर भी खाली जा सकता है। ओ दुनिया वालों, वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर जीते जी हरिश्चंद अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। लेकिन महाराज कहते हैं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है, झूठी बातों से दिल नहीं भरता पिया जी, जब दिल में होता है दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। ये बात सुनिए महाराज, कफन दे सुन तारा बोले अखीर मेरा, सवा रुपया और कफन दे सुन तारा बोले अखीर मेरा, चारा ने मिले जायो कंठी और योले चीर मेरा, इस चा काले को, इस चा काले को दे दूंगा के इस पैसा का सिर मेरा, पैसा जा सिर मेरा, कैसी जलाऊं कुल की, कैसी जलाऊं कुल की निशानी तेरी, मैं निशानी तेरी मैं, तेरे घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, ओ कहानी तेरी नहीं होगा, क्योंकि साथियों हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारे जो ऋषि मुनियों ने नियम बनाए कि जब हवन की वेदी पर बैठ करके हम फेरे लिया करते हैं, सरदारों
राम और कृष्ण के जमाने तक चार फेरे लिया करते थे, आज हमारी परंपरा बदली, हम सात फेरे लेते हैं। लेकिन सरदारों, उन चार फेरों को जिस समय हरिचंद की मैं कथा सुना रहा हूं, उस समय चार फेरे लिए जाते थे। आदरणीय भाइयों बहनों, एक वचन में यह कहा जाता है पुरुष के द्वारा कि आज और आज के बाद तेरी मान मर्यादा और तेरी इज्जत से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। हे साथियों, जिसके जीते जी, जिस व्यक्ति के जीते जी अगर उसकी पत्नी नंगे सिर से फिरे तो उसे डूब के मर जाना चाहिए, उसे जीने का अधिकार नहीं हुआ करता। तारा, क्या तू मुझे जीते जी मारना चाहती है? नहीं महाराज, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए करो और कफन कहाँ से लाऊं? हे ले जाइए महाराज। तो फिर कहे अपनी बात और मैं तोड़ कर देता हूँ। नंगे सिर न रगलियों की पिया, अपना फर्ज निभाइयो तू। अब जिस तरिया राखे परमेश्वर उस ही ढाल रही है। मेरा जिस तरिया राखे परमेश्वर उस ही ढाल रही है। जय करण हरदम शीस झुकइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीस झुकइए तू। गुरु शरण चाहो सेवा, शरण दास चाहो सेवा। ठानी तेरी मैं, ठानी तेरी मैं। अरे बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। हो पत की जो